नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए असगर अली की याद में निकाली गई कैंडल मार्च। छपरा जिला के खेरा मखसूसपुर गांव के निजामुद्दीन अली के छोटे बेटे CISF के जवान असगर अली जम्मू कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ में शहीद हो गए, जिनकी याद में गड़खा प्रखंड में युवाओं ने कैंडल मार्च निकाला, जो बसंत रोड होते हुए गड़खा चौक पर जाकर सम्पन्न हुआ। इस दौरान असगर अली जिंदाबाद के नारे से पूरा वातावरण गूंज उठा। इस मौके पर मोहम्मद इम्तियाज परवेज ने कहा कि वीर शहीद के परिवार को आर्थिक मदद एवं उनके बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी सरकार को मुहैया करानी चाहिए। इस मौके पर अन्य साथियों ने कहा कि उनके नाम पर सरकार स्मारक बनवाए। कैंडल मार्च में परमेंद्र रंजन, हेमंत, अखिलेश, दिनेश राय, रवि, छोटू, परवेज, अरबाज, नेमत, आबिद, आर्यन, शहजाद, सोनू, चंदन, नीतीश, बंटी, बैजनाथ प्रसाद सिंह, विकल, जहांगीर, प्रिंस सिंह, ओम प्रकाश शर्मा, सुहाग सिंह, राकेश चौधरी, बाबूजान अंसारी सहित दर्जनों नौजवान मौजूद थे। हल्दी से मृत्युंजय तिवारी की रिपोर्ट। असगर अली के शहादत के चलते सभी जगह शोक का माहौल है और इसमें गड़का के गलिए लोगों ने उनके याद में कैंडल मार्च निकाला है। हम उस शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं गड़का की जनता की ओर से, और उनके जो वसूल हैं, उनके जो अरमान थे, उसका पूरा करने के लिए हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। आज हम सभी गड़खा के विभिन्न संगठनों, विभिन्न पार्टी के लोगों, विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों ने साथ मिल करके एक जो पिछले दिनों हमारे सारण जिले के सपूत, वीर सपूत असगर अली की देहांत जम्मू कश्मीर में हो गई थी, उसी को के संदर्भ में आज हम सभी ने शांति मार्च निकाला है, श्रद्धांजलि मार्च निकाला है। सभी संगठन और पार्टी और सामाजिक कार्यकर्ता मिल करके हम लोगों ने आज मोमबत्ती मार्च निकाला है और इस तरह से हम सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है।